लेट्स सपोज तुमने एक नया किताब खरीदा है, अब तुम उसे इस तरीके से दिखा सकते हो। हे गाइस, जस्ट बॉट दिस न्यू बुक कॉल्ड मोटिवेशन मोटिवेशन मिथ। वैसे मुझे इस बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन मुझे सपनों में आता है, क्योंकि मैं 12 घंटे तक सोता हूँ दिन में। बट किताब बहुत अच्छा है, मतलब इसका क्वालिटी, कवर, सब कुछ अच्छा है। दिस इज वन टेक्निक टू शो, बट देयर इज अनदर। क्रिएटिव बर्नआउट एक ऐसा चीज है जो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि कब हुआ, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ बिफोर हैंड। मैंने नहीं किया था, सो आई नीडेड समथिंग दैट इज नॉट डिजिटल, फील्स ग्रेट इन हैंड, जिसका लुक एंड फील बहुत क्लासी हो और वो मुझे थोड़ा ब्रेक लेने में मदद करे। See, I was never a reader, but now I understand why all the leaders are readers. So I bought this book, The Motivation Myth. तो कौन से वाले ऑप्शन तुम चूज करोगे? Obviously the first one. देखो, किसी भी चीज को, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर इंसान, उसे सिनेमैटिकली प्रेजेंट करने के लिए तुम्हें बस दोनों चीजों पे फोकस करना है, स्टोरी एंड प्रेजेंटेशन। ये मैंने बहुत पहले ही बोला है कि स्टोरी इज द किंग, चाहे वो किसी भी टाइप की फिल्म मेकिंग हो, डॉक्यूमेंट्री हो, इंटरव्यू स्टाइल हो या फिर सिनेमैटिक हो। विदाउट स्टोरी एनी सिनेमैटिक वीडियो विल लुक एंड फील लाइक योर वॉलेट आफ्टर अ डेट नाइट एम्प्टी। तो स्टोरी बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक वर्बल स्टोरी टेलिंग, जो मैंने अभी किया बुक के साथ स्टार्टिंग में, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो या फिर इंटरव्यू स्टाइल हो या फिर वॉइस ओवर्स, जहाँ पे तुम्हें स्क्रिप्ट लिखना है। और एक होता है नॉन वर्बल या फिर विजुअल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पे तुम्हें वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आंखों आंखों में ही काम हो जाएगा। कोई सा भी स्टाइल ऑफ स्टोरी हो, उस पे तीन चीजें मैंडेटरी है, एक है स्टार्टिंग, एक है मिडिल एंड एंड। इन तीनों चीजों को तुम्हें कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करना है? अपने दिमाग से थोड़ा सोचो, कौन सी चीज़ के ऊपर तुम वीडियो बना रहे हो, कैसे तुम उसके फीचर्स को या फिर उसके पीछे एक आइडिया को कनेक्ट कर सकते हो बिगिनिंग एंड एंड पे। फिर उसे फटाफट लिख लेना है एज अ स्क्रिप्ट। बस याद रखना, फोकस ऑन द आइडियाज, प्रोडक्ट से ज़्यादा आइडियाज पे फोकस करो। पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट, दे बाय आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एंड स्टोरीज। डू नॉट बिलीव मी, Ask Apple. एक बार तुम्हारा स्टोरी फिक्स हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, बस यू आर 50% डन। इसके बाद तुम्हें करना है शॉर्ट लिस्ट, अपने स्टोरी के हिसाब से, आइडियाज के हिसाब से, कैसे तुमने शॉर्ट्स अपने दिमाग में सोचा है उसको नोट डाउन करना है। अब ये तुम पेपर में भी कर सकते हो और यहाँ पे भी। बस शॉर्ट सोचते टाइम इन चार चीजों को ध्यान में रखना, फर्स्ट कॉम्पोजिशन, सेकेंड मूवमेंट, थर्ड लाइटिंग, फोर्थ पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, कॉम्पोजिशन में हजारों रूल्स हैं, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे डिटेल्स में, बट मेन अभी जो चीज है वो है एंगल्स, फोकल लेंथ। अगर किसी छोटे ऑब्जेक्ट को शूट कर रहे हो ना, तो अपने आई एंगल पे शूट मत करो, प्रोडक्ट लेवल पे जाके थोड़ा लो जाके शूट करो, या फिर एकदम टॉप डाउन, ताकि एक कॉन्ट्रास्ट रहे हमेशा। प्रोडक्ट को किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर रख सकते हो, ताकि वो रिफ्लेक्शन और बेहतर लगे। एकदम वाइड शॉट ले सकते हो, उसके साथ एकदम क्लोज टेक्सचर वाली शॉट ले सकते हो, ताकि वही चीज कॉन्ट्रास्ट। कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो प्रोडक्ट के साथ, जो स्टोरी के साथ जा रहा है, टू गिव इट अ लिटिल डेप्थ इन द सीन। मूवमेंट या मोशन एक वीडियो में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना शादी में दुल्हन, आईज वहीं पे अट्रैक्ट होगा। अब वीडियोस में मूवमेंट लाने के लिए तुम दो चीज कर सकते हो, एक तो अपने शरीर को हिला सकते हो, दूसरा ऑब्जेक्ट को। जैसे कैमरा किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे से निकल के प्रोडक्ट शो कर रहा है, रिवील शॉट, स्लो मोशन से पुश इन और पुश आउट कर सकते हो एज अ डॉली, टॉप डाउन करके रोटेशन कर सकते हो, एक पॉइंट पे ट्रैक कर सकते हो, फोकस पुल, ऐसे बहुत सारे टेक्निक के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो विथ अ लिटिल बिट ऑफ हैंड्स मूवमेंट। बट ये सारे शॉट्स ना तभी अच्छे लगेंगे जब तुम्हारा लाइटिंग सही हो। देखो, प्रॉपर लाइटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी 3-3 वीडियो बना चुका हूँ। बस कोई भी छोटी चीज को लाइट करना हो तो लाइट को कंट्रोल करना है अपने हिसाब से, क्योंकि गंदी सोच तो तुम कंट्रोल ऐसे भी नहीं कर सकते। सो यू कैन यूज माई हॉलीवुड लाइट ब्लॉकिंग टेक्निक, और तुम कोई भी अपने हिसाब से किसी काले चीज को हाथों में पकड़ के लाइट को ब्लॉक कर सकते हो।
गंदी सोच। और सिनेमैटिक लाइटिंग का जो बेसिक रूल है वो है, जितना सॉफ्ट और ब्राइट तुम्हारा लाइट सोर्स होगा उतना ही सिनेमैटिक तुम्हारा ऑब्जेक्ट दिखेगा कैमरा में। अभी ये हो जाता है तुम्हारा मेन लाइट। इसके बाद आता है एक एक्सेंट लाइट। अगर तुम किसी भी कलर कॉन्ट्रास्ट चाहते हो तो किसी भी एक छोटे सोर्स ऑफ लाइट को, चाहे वो टॉर्च हो या फिर मोबाइल फ्लैश हो या फिर कोई भी लाइट जो थोड़ा छोटा इन द सोर्स है, उसको तुम कलर चेंज कर सकते हो जेल्स लगा के, या फिर किसी भी टॉर्च या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट तुम ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर सराउंड मूव करके ना एक बहुत डायनामिक लाइटिंग क्रिएट कर सकते हो। मे बी उसकी डिटेल्स को बहुत हाईलाइट कर सकते हो एंड इट विल गिव अ वेरी सिनेमैटिक डायनामिक मूवमेंट इन योर शॉट। सो एक्सपेरिमेंटिंग विद दिस स्टेप्स विद ए ग्रेट स्टोरी एंड ग्रेट साउंड डिजाइन, जिसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, यू कैन मेक एंड फील एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट लुक्स सिनेमैटिक, और जिसे देख के लोग शायद लाइक और सब्सक्राइब कर दे। बट ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा फट से ना पहले ही प्रोडक्ट दिखा मत देना, ठीक है? उसके पीछे का स्टोरी लाओ, कुछ फील लाओ, तभी ना मजा आएगा, चाहे वो सिनेमैटिक सीक्वेंस हो या फिर सुहाग रात।